गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बेटा देखिए, आज हम क्लास नाइन्थ और इलेवेंथ के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, ग्राफ। नाइन्थ एंड इलेवेंथ के लिए ये बेटा आपको ये चीज़ें नाइन्थ क्लास में सीख जानी चाहिए। अगर आप नाइन्थ क्लास में इस कंसेप्ट को नहीं कर रहे हो तो आपको आगे तक दिक्कत आएगी। नाइन्थ, टेंथ, इलेवंथ, ट्वेल्थ, मतलब जहाँ भी ग्राफ आएगा वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखा हुआ। ठीक है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि ग्राफ का बेसिक क्लियर कर दें, फिर आप ग्राफ का कोई क्वेश्चन आए, कहीं आए, किसी भी कंपटीशन में ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सोल्व कर दोगे ना। चलो हम ट्राई करें एक इजी वे में कंसेप्ट बनाने के। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ, अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने ये पढ़ा हुआ बेटा, ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? वाई। जरूरी है कि ये एक्स एक्सिस हो और ये y एक्सिस हो? क्या ये कंपलसरी है? क्या ये जरूरी है ऐसा कुछ होना? क्या मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हमेशा यही होना चाहिए, या हम इसको y, इसको x लिख सकते हैं? z एक्सिस और कहाँ होता है? आप सबने ये पढ़ा हुआ, ये x एक्सिस, ये कौन सा? y एक्सिस। और z एक्सिस कहाँ होता है? यहाँ। लेकिन बेटा ये एक्चुअल में z एक्सिस कहाँ है ऐसे बताता हूँ मैं आपको। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सा है? z। ऐसा होता है, लेकिन इन दोनों को हम बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकते। मीन्स अगर बोर्ड पर करें तो ये है हमारा z एक्सिस। क्या ये z एक्सिस बोर्ड पर ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया? टेढ़ा बना दिया। अब हम इसको y लिख सकते हैं, इसको z लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? x। लेकिन ध्यान क्या रहे, हमेशा x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज हम चलें तो y आएगा, y के बाद z आएगा। कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा, सबसे बेसिक बात यही ध्यान रखनी है कि हम x, y, z को इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर यहाँ x है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलें तो x के बाद y आएगा, y के बाद z। मीन्स x के बाद y, y के बाद z। अगर मैं इसको y बोलूँ तो बेटा ये z हो जाएगा, ये x, और अगर ये z है तो ये x हो जाएगा, ये y। तो आपको सिर्फ ये बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हम इसको x ही लें, इसको y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने जो अब तक पढ़ा है 8-9 तक, तो हम इसको x ही मान रहे हैं और इसको y मान रहे हैं। तो आपको यही लगता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो हमेशा x होता है, वर्टिकल एक्सिस हमेशा y होता है। लेकिन ये कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं रहना चाहिए। हम x एक्सिस किसी को भी मान सकते हैं। तीन एक्सिस हैं, एक ऐसी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। इन तीन में से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज तो पता होगा क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है? जैसे घड़ी चलती है, और घड़ी के उल्टा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां तक बेटा ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको कोई भी ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से रिलेटेड दो क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे? मीन्स कितने भी क्वेश्चन बने उनको हम दो तरीके से सोल्व कर रहे हैं, दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आज वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला ग्राफ हमने पढ़ लिया x एक्सिस, y एक्सिस। जैसे ये हमने x एक्सिस मान लिया, ये हमने y। आप चाहे इसको y मान लो, इसको y लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? z एक्सिस। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें ग्राफ के बारे में पढ़ना है, और ग्राफ के बारे में हम दो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है स्लोप। ग्राफ के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग है वो क्या है? स्लोप। स्लोप का बेटा बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है टेन थीटा, लेकिन टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, ये हम कब सीखेंगे? टेंथ में। लेकिन ये टॉपिक कहाँ जाएगा? नाइन्थ क्लास में। तो हमें नाइन्थ क्लास में हमें यही नहीं पता टेन थीटा होता क्या, तो टेन थीटा क्या होता है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि स्लोप क्या होता है। अब उनके लिए कि हमें क्या करना है, देखो एक्चुअल में स्लोप क्या है। आप सबके घर है, ठीक है, घर मान लो गली से थोड़ा सा ऊंचा है, तो जो घर को गली से एक तिरछा होता है ना, उसका नाम क्या है? स्लोप, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? रैंप। अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? रैंप। उस रैंप का नाम क्या है? स्लोप। ऐसे समझो, एक अपने घर के आगे ये रैंप है, एक अपने घर के आगे ये रैंप है, ठीक है। इसके अंदर आप एक चीज देखिए, हम इसको एक बार एक्स वाई मान के स्टडी कर रहे हैं,
ताकि तो आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। कन्फ्यूज तो आप पहले ही इस टॉपिक में, आज हम एक्स वाई मान के थोड़ा देखना चाह रहे हैं। अब एक बात बताओ बताओ बेटा, इसके अंदर x की वैल्यू मान लो x1, तो इसके अंदर भी x की क्या वैल्यू है, x1, लेकिन y की वैल्यू क्या है, y1, और यहां क्या है y2। मीन स्लोप तो दो अलग अलग है, दोनों रैंप अलग अलग है, लेकिन उनका x एक्सिस क्या है सेम, y एक्सिस क्या है अलग अलग। अगर हम tan थीटा के अकॉर्डिंग चले, एक बार कर लेते tan थीटा के अकॉर्डिंग, फिर जो नाइन्थ क्लास में tan थीटा है ही नहीं फिर उनकी बात करेंगे। tan थीटा बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है या वाई वन, जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे वैल्यूज है हमारी, इसकी वैल्यू क्या है वाई वन, इसकी वैल्यू क्या है वाई टू। मीन्स परपेंडिकुलर हमारा हमेशा क्या आएगा वाई एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस इसको मान रहे हैं वाई एक्सिस इसको मान रहे हैं, और बेस हमेशा क्या आएगा एक्स एक्सिस। तो आपको स्लोप के लिए क्या चीज ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब उनकी बात करते हैं जो नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है क्या होता है नहीं पता। अब एक बात बताइए बेटा, इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा है, किसका रैंप ज्यादा है, कौन ज्यादा तिरछा है, इसको ऐसे बोल देते हैं ये एक है ये दो है, एक ज्यादा तिरछा है या फिर दो ज्यादा तिरछा है, दो ज्यादा तिरछा है। ऐसे देख लो जैसे बचपन में करते थे, इसके ऊपर बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ, फिसल जाओ, किस केस में जल्दी आओगे, ज्यादा तिरछा है ज्यादा फास्ट मतलब स्लोप ज्यादा है, या सिंपली एक एक बोल रख लो, बोल देख लो किस केस में जल्दी आई, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हमें यह देखना है कि एक और दो में कौन ज्यादा है, सबको पता है स्लोप क्या होता है रैंप, रैंप अगर ऐसे है तो कम है, ऐसे है तो रैंप ज्यादा है। मीन्स दो का स्लोप क्या है बेटा ज्यादा, दो का स्लोप क्या है ज्यादा, किससे, स्लोप ऑफ वन से। ये उनके लिए है जो नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, इलेवंथ में पढ़ रहे हैं, उनको पता है स्लोप क्या होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब नाइन्थ क्लास में ये पता है कि स्लोप दो का ज्यादा है एक से कम है, क्योंकि दो ज्यादा तिरछा है एक कम तिरछा है, रैंप दो का ज्यादा है एक का कम है। अब थोड़ा और हम एडवांस देखते हैं कि क्या ज्यादा है, एक्स एक्सिस दोनों में, एक्स एक्सिस इसका भी वही है, एक्स की वैल्यू इसकी भी यही है, दोनों रैंप के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा एक्स वन, एक्स वन दोनों में सेम है, मीन्स एक्स वन तो सेम है, फिर क्या ज्यादा है वाई वन, इसके अंदर वाई वन, ये रैंप कम है स्लोप कम है तो इसका वाई वन कम है, इसका स्लोप ज्यादा है इसका वाई टू ज्यादा है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्लोप किस पर डिपेंड करेगा वाई के ऊपर, एक्स की वैल्यू क्या दोनों में सेम। अगर आप ऐसे देखो स्लोप के अंदर वाई क्या है मतलब y2 क्या है ग्रेटर देन y1, आपको यहां से देखना है, ठीक है। नाइन्थ क्लास को क्या दोनों x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू जिस केस में ज्यादा मिलेगी उसी का स्लोप ज्यादा, और यही तो ये भी तो यही बात कह रहा है, x एक्सिस की वैल्यू क्या हो सेम दोनों में, y एक्सिस एक का कम है एक का ज्यादा, इस केस में जो y1 है क्या है कम तो स्लोप कम आएगा, y2 ज्यादा स्लोप क्या आएगा ज्यादा। मीन स्लोप आपको जब भी देखना हो सब बातें भूल के y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर देना है, बात खत्म। एक तो बेटा स्लोप देखने का ये तरीका है, एक तरीका और है वो न्यूमेरिकल करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। और स्लोप किसी भी लाइन के ऊपर, अब आपको ये तो कंसेप्ट बन गया कि स्लोप जब भी निकालना हो y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर देंगे। अब आपको दिक्कत इस टाइप के न्यूमेरिकल में आएगी, मान लो ये कह दिया, ये कह दिया ऐसे, अब स्लोप किसकी बात करेंगे, अब बेटा हम देखेंगे स्लोप का एक और मेथड है वो है टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे बेटा टेंजेंट कहां आएगा इस साइड, इस पॉइंट पे 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 टेंजेंट कहां आएगा इस साइड। अब देखो किसका रैंप ज्यादा है, इसका तो रैंप है ही नहीं, इसके ऊपर हम बैठे रहे बैठे रहेंगे, इसके ऊपर बैठ जाए फिसल जाएंगे, और तेज और तेज और तेज, मतलब किसका रैंप ज्यादा है इसका, इसका रैंप ज्यादा है, इसका रैंप कम है कम है कम है बिल्कुल कम है, तो हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारा स्लोप क्या हो रहा है, रैंप क्या हो रहा है इनक्रीज, तो स्लोप क्या हो रहा है इनक्रीज, तो ये हमारा ग्राफ क्या दिखा रहा है इनक्रीजिंग स्लोप। अगर यही ग्राफ ऐसे होता तो ये हमें क्या दिखा देता डिक्रीजिंग स्लोप। ये आपको सिर्फ न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में क्या ध्यान रखना है
कोई भी कर्व है उसका टेंजेंट जिस पॉइंट उसका स्लोप जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही उसका स्लोप बता देगा और उसको आप कंपेयर कर लोगे स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ तक फोकस करना है स्लोप क्या होता है वाई एक्सिस वाई में एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। आपने नाइन्थ के अंदर क्या पढ़ा है अब तक, मोशन का चैप्टर आप कवर कर चुके हैं। अगर मैं इन सबको हटा दूँ तो स्लोप को हम कैसे लिख देंगे, जो टेंथ पास कर चुके हैं टेन थीटा, टेंथ पास नहीं की या नाइन्थ में है क्योंकि ये टॉपिक या इलेवेंथ में है या नाइन्थ में, अब नाइन्थ में है उनको टेन नहीं पता, उनको क्या ध्यान रखना है वाई एक्सिस वाई एक्स एक्सिस, क्या ध्यान रखना है वाई एक्सिस वाई एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ मुझे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वन और टू के लिए सेम है, वाई वन इसमें कम है तो स्लोप कम, वाई टू ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा, ये बात हम कर चुके हैं। अब आपने मोशन के अंदर क्या पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ बेटा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, वेलोसिटी, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन, और बहुत सारे ग्राफ पढ़े। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। इस केस में मतलब फोर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप क्या आएगा, स्लोप सब बातें भूल जाओ, स्लोप क्या होता है वाई एक्सिस वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर कौन है डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पर कौन है डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पर कौन है टाइम, और एस बाई टी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी। इसके ऊपर बेटा नीट जेई में क्वेश्चन आए हैं सिर्फ इसी टॉपिक पर, कैसे आ गए। अब ये लाइन बना दी उन्होंने एक दो और एक ये लाइन तीन, मीन्स ये वन है ये टू है ये थ्री है। अब ये लिख दें वी वन ग्रेटर देन वी टू ग्रेटर देन वी थ्री, वी वन लेस देन वी टू लेस देन वी थ्री, कांट कंपेयर, कंपेयर नहीं कर सकते, V1 बड़ा है V3 से बड़ा है V2 से, इस टाइप का कुछ लिख दें, ऑप्शन एक दो तीन चार, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको ये नहीं कहेगा स्लोप निकालो, अब ये क्वेश्चन है और ये चार ऑप्शन है, तो अब आपको देखना है आप क्या देखोगे, डिस्प्लेसमेंट है टाइम है, मुझे वेलोसिटी चेक करनी है, वेलोसिटी कहाँ से, जब माइक चेक मैं कर लेता हूँ बेटा, बना बनाया काम खराब हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हमारे पास क्या ग्राफ ये बने, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पूछा क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे आती है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग कर दो डिवाइड कर दो, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो, मैंने वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दिया और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस को डिवाइड कर दिया, तो होता क्या है स्लोप, मतलब हमसे इनडायरेक्टली स्लोप पूछा है किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है टू का, स्लोप टू का ज्यादा है, स्लोप टू का ज्यादा है, उसके बाद स्लोप किसका ज्यादा है वन का ज्यादा है, उसके बाद स्लोप तीन का ज्यादा है, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। आई होप स्लोप समझ आ गया होगा, मीन्स अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी क्यों होता है ये क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ किसका हो, वेलोसिटी और टाइम का, मीन्स ये हमारे पास कोई ग्राफ है, इस एक्सिस पर हम वेलोसिटी दिखा रहे हैं, इस एक्सिस पर टाइम दिखा रहे हैं, अब वेलोसिटी बाई टाइम, इस ग्राफ का स्लोप निकालूं मैं तो स्लोप क्या होता है वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर कौन है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर कौन है टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम होता क्या है एक्सेलरेशन, बात खत्म। जब भी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूंगा स्लोप हमेशा क्या रहेगा एक्सेलरेशन, तो इसके ऊपर भी उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं जो मैंने पीछे करवाया, ठीक है, वो आप घर पे ट्राई करना। अच्छा एक और ग्राफ है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहीं दिख जाए आपको और उसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होता है, यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा टाइम, तो एक बात बताओ मुझे स्लोप क्या होता है वाई बाई में एक्स, वाई एक्सिस पर कौन है एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस पर कौन है टाइम, एक्सेलरेशन बाय टाइम, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं अब तक, क्या होता है
जैसे हम कहते हैं ना, हमें चलते चलते झटका लग गया, मन मीन्स जब हम गाड़ी चला रहे हैं एक्सलेशन भी एकदम से चेंज हो जाए तो वहां पर हमें क्या लगता है, जर्क लगता है, झटका लगता है, उसका नाम बेटा ये ए बाई टी। तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ में स्लोप हमेशा क्या रहेगा, जर्क। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सलेशन। तो अब बताओ बेटा यहां तक कोई स्लोप में डाउट है? या तो स्लोप में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या मैंने एक आपको करवाया इस टाइप का, ये क्या हो जाएगा स्लोप डिक्रीजिंग, ये क्या हो जाएगा स्लोप इंक्रीजिंग। अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया है कि ये स्लोप क्या है इंक्रीजिंग और ये स्लोप क्या है डिक्रीजिंग। स्लोप के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और जो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे हो उसमें आपने ये चीज याद कर रखी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप ये होता है जी, वेलोसिटी टाइम का ये होता है जी, एक्सलेशन टाइम का ये होता है। एक्चुअली में बेटा ऐसे होता है, ठीक है। स्लोप का काम खत्म करते हैं, अब हम एक और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो ग्राफ से ही रिलेटेड है। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले तो ये बता दीजिए स्लोप में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो बेटा इसको मैं फिर से यही कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना तभी जब आपको कुछ अच्छा लगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी क्राइमिंग से पीछा छुटा सके। हमारा मोटो एक ही है, इंस्पायर एजुकेशन का एक ही मोटो है, स्टॉप क्राइमिंग स्टार्ट लर्निंग, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक क्या है वाई एक्सिस। अब सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा खेत है, अपने पास खेत तो है, सबके पास होते हैं ऑलमोस्ट, ये एक खेत है। इस खेत का अगर मैं y इंटू एक्स कर दूं या x इंटू वाई कर दूं तो क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड, क्या निकल जाएगा बेटा एरिया, क्या निकल जाएगा एरिया। अब ठीक है, अब इसको मैं ऐसे कहूं कि x इंटू वाई क्या है एरिया। अब थोड़ा ऐसे समझो, अब मैं इस लाइन को हटा दूं, इस लाइन को हटा देता हूं, इस लाइन को हटा दूं और अब ये कहूं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व की बात करूं तो क्या होगा, मतलब इस कर्व के नीचे का एरिया, वही तो बात होगी जो पहले बात की है। पहले हमने क्या निकाला, एरिया, खेत का एरिया कैसे आया एक्स इंटू वाई। अगर अब मैं ये लाइन के नीचे का एरिया बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एरिया की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व ये है दूसरा काम, मतलब ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ से, ग्राफ का कोई क्वेश्चन आ जाए दो तरीके से आप सोल्व कर दोगे, या स्लोप मिलेगा या आपके पास एरिया मिलेगा। अब देखो एरिया अंडर द कंसेप्ट, देखो इतना फोकस है हमारा कंसेप्ट पर, लिखना क्या था करो, लिख क्या दिया, अभी तो कह रहे हैं अपना मोटो क्या है, यहां लिखवाना पड़ेगा ना, स्टॉप क्रैमिंग स्टार्ट लर्निंग, सीखना स्टार्ट कीजिए, क्रैम करना बंद कीजिए। अब एक बात बताओ एरिया अंडर द करो कैसे आया बेटा, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से, जब हमारा यहाँ पर खेत था तो खेत का एरिया कैसे आया, एक्स इंटू वाई क्या होता है एरिया, तो हम ये कहते हैं इस लाइन के नीचे का एरिया क्या है एक्स इंटू वाई। तो जब भी हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है वाई को एक्स से, या आप ऐसे कह लो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म कर देना है, ठीक है। अब समझते हैं कैसे इंटरेस्टिंग है ये। अब आपने मोशन डिस्प्लेसमेंट सबने पढ़ा हुआ है, अब ऐसे समझो ये हमारे पास ये वेलोसिटी है और ये क्या है टाइम, कैसा ग्राफ है, ग्राफ है वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैं ये लाइन कर दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये वैल्यू कह दूं आपको दो है, ये वैल्यू कह दूं चार है, और आपसे बेटा ये पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप कहोगे जी हमें कुछ गिवन ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन किसका है ग्राफ का, ग्राफ किन से होगा दो से, या स्लोप से, या एरिया से। इस ग्राफ का बेटा एरिया क्या आएगा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, एरिया हमेशा वाई इंटू एक्स एक्सिस होता है, यहाँ वाई एक्सिस पर कौन है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर कौन है टाइम। अब आपको मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं,
वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करने क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कभी भी एरिया पूछे, एरिया अंडर द कर्व, तो आप क्या लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट होता है जी। तो इसमें आपको क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसका एरिया कितना होगा, कितना, 2 × 4 = 8 आंसर है। इतना आसान बना देता है ग्राफ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर ये दो चीजें आपको आती हैं, स्लोप और एरिया। चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, ये क्या है एक्सेलरेशन और ये क्या है टाइम। अब इसके अंदर मान लो मैंने ऐसे बना दिया बेटा, ऐसे ये मान लो ये आपको गिवन है 2, ये भी आपको गिवन है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया क्या बनेगा, एरिया जब भी ग्राफ का निकालना वाई इंटू एक्स करना है बेटा। वाई इंटू एक्स क्या हो गया, ए इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, करो याद, वेलोसिटी बाय में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। तो एरिया इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या जाएगा, वेलोसिटी, बात खत्म। जब भी हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या रहेगा, वेलोसिटी। अब इस ग्राफ का वेलोसिटी पूछे तो हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है, बस बात खत्म कर देनी है। एरिया क्या होगा, ये कंप्लीट का एरिया क्या था, 2 × 2 = 4, हाफ का क्या आएगा 2 × या वो लगा लो, याद कर लो 2 × 2 = 4, 4 का आधा 2, आंसर 2 आ गया। या ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये है, अगर आपके पास एक और ग्राफ है जो आप बुक में नहीं पढ़ रहे हैं, वो है जर्क और टाइम ग्राफ। जर्क क्या था, चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। तो जर्क टाइम ग्राफ है तो एरिया क्या आएगा बेटा, जर्क इंटू टाइम। जर्क क्या है, एक्सेलरेशन बाई टाइम, तो जर्क इंटू टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। मीन्स अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आए कि जर्क टाइम ग्राफ गिवन है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो कर्व है किसी भी टाइप की कर्व है, ऐसी कर्व मान लो, तो इसके नीचे का एरिया निकाल देना, वही आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राफ। अब इसको मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा बेटा। एक आप है ना, ये बता दिया अगर हमें फिजिक्स में कौन सा टॉपिक मुश्किल लग रहा है कमेंट करके, उसी की बात हम करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने कुछ मैं न्यूमेरिकल ला रहा हूं, जैसे आपके पास ये है वेलोसिटी नहीं, वी पोटेंशियल, ये गिवन है आई करंट, वी फॉर वेलोसिटी नहीं पोटेंशियल, करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वी, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट। अब बेटा आपको ये लाइन गिवन है, एक दो तीन, और कुछ नहीं गिवन, ये पूछ लिया आर वन ग्रेटर देन आर टू ग्रेटर देन आर थ्री, आर टू ग्रेटर देन आर थ्री ग्रेटर देन आर वन, आर वन लेस देन आर टू लेस देन आर थ्री, या नन। आप कहोगे वेलोसिटी और वो पोटेंशियल और करंट गिवन है, रेजिस्टेंस कहाँ से निकालें, ये सोचो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ग्राफ, ग्राफ के दो सॉल्यूशन, ग्राफ हमें दो काम देगा, एक स्लोप देगा, एक क्या देगा एरिया। इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, वी बाई में आई, एरिया क्या आएगा, v इंटू में आई। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने v इज इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा 10th क्लास में, हमें निकालना क्या है r, तो r कैसे आएगा, v बाई आई, मीन्स हमें क्या निकालना है, v बाई आई, स्लोप निकालना है। और स्लोप किसका ज्यादा है, एक का ज्यादा है, दो का ज्यादा है, तीन का ज्यादा है, स्लोप दो का ज्यादा है, फिर तीन का, फिर एक का, तो ये आंसर होता है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे कह देता ये ग्राफ 1/i का है, मतलब इस एक्सिस पर क्या है 1/i, तब देखो अब आप इस ग्राफ में दो चीजें फिर से, या स्लोप या एरिया। स्लोप क्या होता है, वी वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, वी बाई में 1/i, तो क्या आ गया वी इंटू आई। अगर यहां से बात करें एरिया, एरिया क्या होता है वाई एक्सिस इंटू
एक्स एक्सिस, तो क्या आता है वी बाई में आई। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है, वी बाई आई। वी बाई आई कैसे आ रहा है, एरिया निकालने से। मतलब अब इस क्वेश्चन का रेजिस्टेंस क्या आएगा, एरिया। इसके नीचे का एरिया बेटा कम आएगा, इसके नीचे का एरिया इससे ज्यादा, इसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, आर वन ग्रेटर देन आर टू ग्रेटर देन आर थ्री। मीन्स क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, नीट जेई कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, टारगेट क्या है आपका, कंसेप्ट चेक करना, वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। और जो साथ में घूम गया वो फिर घूम ही गया, वो फिर गोल गोल घूम गया। और जिसका जिसने कंसेप्ट सीख लिया, चाहे कैसे भी घुमा लो भैया ना, बिल्ली है उसको ऊपर से चाहे सीधा करके फेंक दो चाहे उल्टा करके फेंक दो, वो जब जमीन पर आएगी हमेशा सीधी मिलेगी। तो वही है हमारे पास, सीधा ही मिलोगे अगर कंसेप्ट सीख लिया। ठीक है, इतना ओके। अब उनका इलाज है जिनको कुछ समझ नहीं आया, जिनको स्लोप के बारे में कुछ समझ नहीं आया, उनका भी इलाज है, उनका भी एक ट्रिक है। कैसे, ये आपके पास y एक्सिस x एक्सिस, एक ग्राफ दो ग्राफ तीन ग्राफ चार ग्राफ, एक दो तीन चार। अब आपको नहीं पता जी स्लोप क्या होता है, तो स्लोप नहीं पता, स्लोप से मिलता जुलता वर्ड बताते हैं, स्लोप स्लिप, ये बेटा ट्रिक है, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें स्लोप निकालना तो हम ट्रिक का जुगाड़ कर लेते हैं जिसे हमें इतना सब मत्था ना मारना पड़े। तो इनमें से बेटा स्लिप, स्लिप मतलब फिसलना, इसके ऊपर बैठ जाओ, खुद का मन करे खुद बैठ जाओ, वरना हमारे पास एक सिंपल सी बॉल होती है, बॉल को रख दो। बॉल किस केस में स्लिप करेगी, किस केस में फास्ट आएगी, उसका स्लोप ज्यादा है। किस केस में फास्ट आएगी, टू के केस में फास्ट आएगी, फिर तीन के केस, मान लो टू आ गई एक सेकंड में, तीन आएगी दो सेकंड में, चार आएगी तीन सेकंड में, वन कभी आएगी नहीं। वन प्लेन रखा है, अब ऐसे कोई सरफेस है उसके ऊपर बॉल रख दो, क्या बॉल मूव करेगी, स्लिप करेगी, स्लिप नहीं करेगी, स्लोप जीरो। तो ऐसे इस ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन हम ये कहते हैं ट्रिक उनके लिए है जिनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है स्लोप को समझने में, लेकिन ट्रिक फेल हो जाएगी जब आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता चलेगा कि मुझे यहाँ स्लोप निकालना है या एरिया निकालना है। अब ये क्वेश्चन है, अब आपने ट्रिक तो सीख ली, ये तो सीखना पड़ेगा कि मैं v को 1 बाई आई से डिवाइड करूं तो r बनेगा, या v को i से मल्टीप्लाई करूं तो r बनेगा, वो कंसेप्ट ही बनाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा नाइन्थ और इलेवंथ क्लास के लिए ग्राफ का कंसेप्ट। और जो आप नाइन्थ और इलेवंथ में याद कर रहे हो, एरिया अंडर द कर्व ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर मौके पर जिसने क्रैम किया हुआ है, जब भी उसको कहीं कॉम्पिटिशन में आएगा उसको खुद पर डाउट होगा। जैसे आपने एरिया अंडर द कर्व कर लिया, एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या आना चाहिए v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट। अगर v इंटू, मतलब आपको ये पता है कि एरिया में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अगर याद किया होता यार डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, एक्सलेशन था, फिर वहां पे कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन में आप उसको छोड़ के आ जाओगे मार्क्स पे, बेटा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही है आज का टॉपिक ग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे। होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।